गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। और आज मैं लेके आया हूं कक्षा 6 के अध्याय 7 का रिवीजन सीरीज रिवीजन। इसमें हम प्रश्न उत्तर के माध्यम से इस पूरे अध्याय का रिवीजन करेंगे। तो आइए शुरू करें आज का हम अपना ये वीडियो सेशन। देखिए, इसमें प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। संक्षेप मतलब बहुत ही ब्रीफ आंसर देना है, शॉर्ट आंसर देना है, यानी कि लघु उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न क्या है, भारत को कितने भौतिक भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो भारत को निम्न भौतिक भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो अब देखिए कौन कौन सा है, पर्वत, पठार, मैदान, द्वीप, प्रायद्वीप आदि। और भी अलग अलग है, लेकिन आपको अभी यहाँ पे बस यही पांच मुख्य हैं जिसको समझना है। फिर से एक बार मैं दोहराता हूँ, पर्वत, पठार, मैदान, द्वीप और प्रायद्वीप। भारत को प्रायद्वीप कहा जाता है, क्यों? क्योंकि ये तीन ओर से जल से घिरा हुआ है। द्वीप क्या होता है, तो जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ हो उसे हम द्वीप कहते हैं। तो आइए समझते हैं इसके दूसरे प्रश्न को, भारत की स्थलीय सीमा भारत 7 देशों से जुड़ी है, उनके नाम। तो देखिए उनके नाम, तो भारत की स्थलीय सीमा पाकिस्तान, फिर उसके बाद यहाँ अफगानिस्तान, फिर इधर है चीन, नेपाल, भूटान, तो 5 हो गए, भूटान के बाद बांग्लादेश और म्यांमार। ये 7 देशों के साथ भारत की सीमाएँ लगी हुई हैं, जो स्थलीय सीमा लगी हुई है। कौन सी दो प्रमुख नदियां अरब सागर में गिरती है, तो नर्मदा और तापी। कौन सी दो प्रमुख नदियां अरब सागर में गिरती है, तो नर्मदा और तापी। गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए डेल्टा का नाम बताइए। तो गंगा के द्वारा जो डेल्टा बनाया जाता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा, उसको सुंदर वन डेल्टा कहते हैं। सुंदर वन डेल्टा के नाम से हम उसे जानते हैं। भारत में कितने राज्य, अगला प्रश्न है, भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, किन राज्यों की राजधानी एक ही है। अब यहाँ पे देखिए, भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें से पंजाब और हरियाणा की राजधानी एक ही है, चंडीगढ़। और अभी फ़िलहाल 2024 तक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की भी राजधानी एक ही है, वह हैदराबाद, लेकिन 2024 से प्रस्तावित है अमरावती। हालांकि आप जो नवीनतम जो न्यू जनरल नॉलेज की किताबें आ रही हैं उसमें मतलब आंध्र प्रदेश की राजधानी को दिखाया जा रहा है अमरावती, लेकिन अभी आधिकारिक तौर पे 2024 तक हैदराबाद ही है, ध्यान रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है 6 कि उत्तरी मैदानों में अधिक जनसंख्या निवास करती है, क्यों? तो उत्तरी मैदानों में की जमीन जो है ना, नवीन जलोढ़ है, या जलोढ़ मिट्टी जो होती है उपजाऊ होती है, और साथ ही साथ इस पर मकान और परिवहन के साधन बनाना आसान होता है, इसलिए यहाँ पे अधिक लोग रहना पसंद करते हैं ताकि उनको रोज़गार मिल सके, इसलिए उत्तरी मैदानों में अधिक जनसंख्या निवास करते हैं। लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप कहा जाता है, क्यों? लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप क्यों कहा जाता है? लक्षद्वीप प्रवालों के कंकालों से बना हुआ द्वीप है, इसलिए इसे प्रवाल द्वीप कहा जाता है। प्रवाल क्या होता है ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, फिर भी मैं एक बार आपको यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ ध्यान दीजिए। देखिए, प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल होते हैं जिसे पॉलिप कहा जाता है, और इन्हीं पॉलिपों से लक्षद्वीप का निर्माण हुआ है, इसलिए इसे हम प्रवाल द्वीप कहते हैं। तो अब इसके बाद है बहुविकल्पीय प्रश्न, सही उत्तर चिन्हित कीजिए। तो पहला प्रश्न है, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? तो देखिए, सबसे ऊपर है हिमाद्री, फिर है हिमाचल, और सबसे दक्षिण में है शिवालिक। सह्याद्री को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री भी कहते हैं।
ठीक है, हिमाद्री तो हिमालय का भाग है, पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहते हैं। पाक जल संधि, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है कि पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में जो जल का छोटा सा भाग है उसको हम पाक जल संधि कहते हैं, यानी कि भारत और श्रीलंका के बीच में जो छोटा सा जल का भाग है, जल के भाग के द्वारा जुड़ा हुआ है, उसको पाक जल संधि कहते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह, तो अरब सागर में लक्षद्वीप द्वीप समूह स्थित है। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो अरावली, क्योंकि हिमालय तो नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है, तो सबसे पुरानी श्रृंखला है भारत की वह है अरावली पर्वत श्रृंखला। अगला प्रश्न, मतलब अगले प्रश्न की तरफ चले, तो वह है खाली स्थान भरे, तो भारत का क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, ध्यान रखिएगा, तो लगभग में दिया हुआ है, तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। महान हिमालय को हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिए, महान हिमालय को हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मतलब अगला खाली स्थान है, क्षेत्रफल की दृष्टि से डैश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, और जनसंख्या की दृष्टि से, ध्यान रखिए, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, और प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों के की जो संख्या होती है उसे सघनता कहते हैं, यानी घनत्व कहते हैं, तो घनत्व के हिसाब से बिहार सबसे अधिक घनी आबादी वाला राज्य है। नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है, नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती हुई अरब सागर में गिरती है, ध्यान रखिएगा, यह नर्मदा नदी, अधिकतर नदियाँ ऐसे गिरती हैं, जबकि नर्मदा नदी जो है, नर्मदा नदी इस तरीके से ऐसे गिरती है। तो अगला फिल इन द ब्लैंक्स है, डैश भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखाएं हैं, तो कर्क, ये भारत के 8 राज्यों से, कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसका नाम है, ध्यान रख लीजिएगा, गुजरात, गुजरात के बाद आप आ जाइए राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, उसके बाद पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा। भारत के अब अगला है मानचित्र कार्य, ये अवश्य करना चाहिए, इसको आप स्किप कीजिएगा तो समझिए अपने साथ धोखा कर रहे हैं, इसको स्किप नहीं करना है। तो भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित को चिन्हित कीजिए, तो कर्क रेखा जैसे कि मैंने आपको बताया, तो ये जो है ना एक फिल किया हुआ मैप लीजिए और उसके अनुसार देख के आप इसको डालिए, कर्क रेखा भारत के, भारत की अगर स्थिति देखें तो भारत की स्थिति कुछ, भारत की स्थिति कुछ, सॉरी, भारत की स्थिति कुछ इस तरीके से है दक्षिण में, और यहाँ से जाना, इससे थोड़ा सा ऊपर से यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। भारत का मानक याम्योत्तर, तो 82 डिग्री 30 मिनट, तो 82 डिग्री 30 मिनट जाना भारत का जाना लगभग ऐसे है, तो यहाँ से होकर गुजरती है, यहाँ से होकर जाना मानक याम्योत्तर लगभग होके गुजरती है। किस राज्य में आप निवास करते हैं, तो अभी तो मैं दिल्ली में निवास करता हूँ, तो दिल्ली तो पता है, और बाकी रहने वाला हूँ बिहार का हूँ, तो बिहार आप सबको पता होगा, हालांकि 28 के 28 राज्यों की मैंने पहचान की है, तो आप जिस भी राज्य में रहते हैं उसको वहाँ इंडिकेट करना है। अंडमान द्वीप समूह, ये बंगाल की खाड़ी में है। लक्षद्वीप द्वीप समूह, ये आपका अरब सागर में है। उसके बाद है पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट, तो पूर्वी घाट ऐसे, पश्चिमी घाट इस तरीके से, तो इस तरीके से ये जो है ना आपका मानचित्र कार्य हो गया, यानी कि इस तरीके हमने पूरा का पूरा अध्याय
का रिवीजन किया, पूरे चैप्टर का रिवीजन किया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक अवश्य करें और आप लोग पूरी वीडियो देखें। इसके लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।